वालेकुम भाई साहब, क्या हाल? ठीक है भाई? ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम बैक करते हैं डिजिटल डायरी में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमारे साथ एक्चुअली एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से जो है अमजद भाई तकरीबन ऑलमोस्ट 2 माह जो हैं वो बेड रेस्ट पे थे। तो मज़ीद अमजद भाई बताते हैं आप। जी वही कि सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत माजरत के मतलब ये मुलाकातों का सिलसिला मुनक़ता हुआ और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन 3 माह या उससे ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारा कोई विलाग नहीं आया। वो जैसे सुल्तान भाई ने बताया कि वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से सब ये मसाइल बने हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेहतर हूँ मैं भी और कोशिश करेंगे कि आइंदा इंशाल्लाह कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो और ये कोई सिलसिला जो हमारी मुलाकातों का है ये मुसलसल चलता रहे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल आती है, गुजर जाती है और आप लोगों से इल्तमास है कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें और हमारी भी दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। और चूँकि 2-3 माह तो बेड पे रहा और तो अभी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी प्लान है कि शहर से बाहर निकलते हैं। तो बाकी देखते हैं आगे इंशाल्लाह, आगे आपको भी साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं बाहर की ज़िंदगी, देहात की ज़िंदगी कैसी है। वो पहले भी दिखाते रहते हैं लेकिन चलिए हमारे साथ और मज़ीद आगे जब दिखाते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम एक फार्म में पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द हरे पौधे हैं। एक्चुअली ये सब्ज़ मिर्च के पौधे हैं और ये काफ़ी वसी रकबे पे काश्त की गई है। तो बाहर आने से एक तो हमारी आउटिंग हो जाती है, शहर से बाहर आते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, देहाती माहौल है इधर। और दूसरा आपको बताना मकसद होता है कि देखिए सहरा और पहाड़ ये सऊदी अरब में ये बहुत मशहूर चीज़ें हैं, लेकिन इनके ऐन वस्त में जो है वो ये एक मौजदा है इस तरह की फसलें। तो अल्लाह ताला ने सऊदीया को नवाजा हुआ है बहुत सी नेमतों से, तो सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करते चलें। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? ठीक है माशाल्लाह। जी भाई उसमें फोटो तुलो, वो सब में असोला असोला है ना गास है। हाँ फिलफिल जी जी ऐसे से फिलफिल जिया था। हाँ सही सही, ये तो लगा तो सही। हाँ चले अल्लाह खैर करे। अच्छा अच्छा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल? ठीक है ठीक है। अच्छा
क्या है। ठीक है अच्छा फुल कर दिया माशाल्लाह। السلام علیکم پودوں سے مرچی اتار کے جمع کی جاتی ہیں ایک جگہ پہ اور اس کے بعد آگے ورکرز جو ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کو کریٹس میں ڈالتے ہیں اور پھر آگے ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا ہے وہ جو قریب ترین منڈی پڑتی ہے وہاں اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ بھرے ہوئے کریٹ ابھی گاڑی میں ڈالے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی میں ڈال کے پھر اس کے اوپر جو ہے بوری ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ یہ منڈی جانے تک فریش رہے۔ تو یہ اس کا عمل ہے جی موٹا موٹا جو آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔ امان اللہ۔